निचलौल के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक मसीह सेवाश्रम विद्यालय, जहां मना धूमधाम से गणतंत्र दिवस। मौके पर पहुंचे ग्रामीण व प्रबुद्धिजीवी लोग, जन जागरूकता का किया गया आयोजन, मतदान का बताया गया महत्व, बच्चों में बांटी गई मिठाइयां, देर शाम तक खूब चला कार्यक्रम, जहां फादर सेबास्टियन ने गणतंत्रता दिवस की बधाई दी, वहीं आम जीवन में शिक्षा का महत्व भी समझाने की कोशिश किया। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा ही हम सब जानते हैं कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी पर्व मनाए जाता है जिनका अपना राष्ट्रीय महत्व होता है। ऐसे पर्व जिसका संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है, उन्हें राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक प्रमुख पर्व है। आज का राष्ट्रीय पर्व यानी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का अर्थ है प्रजा द्वारा साबित शासन व्यवस्था, अर्थात भारत के मुखिया कोई राजा नहीं होगा बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। माटी के लाल ने कर दिया कमाल, महाराजगंज में अब होगा भोजपुरी का धमाल, मोहित बलमुआ के साथ। जी हां, अब आपके शहर गांव गली में भोजपुरी सिनेमा का मचेगा धमाल। जुड़िए और बनिए भोजपुरी सिनेमा के उभरते कलाकार मोहित बलमुआ की नई पेशकश मचल आतंक में। जल्द होने जा रहा है ऑडिशन। निर्देशक, निर्माता एवं नायक कलाकार मोहित बलमुआ के साथ, जो भोजपुरी की दो सफल फिल्मों क्रमशः बवार रक्षक के बाद खुद की निर्देशन में बना रहे हैं फिल्म महाराजगंज की धरती पर। फिल्म में कलाकार बनने के लिए इच्छुक युवक युवतियां जो भी अपनी प्रतिभा को छुपा कर रखे हैं, उसे पर्दे पर उतारने का सुनहरा अवसर। तो देर किस बात का, टीवी स्क्रीन पर फ्लैक्स हो रही मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जुड़े और बने फिल्मी कलाकार। इस फिल्म यानी मचल आतंक के कोरियोग्राफर हैं विशाल शर्मा और लेखक हरिदेव वर्मा, एवं संवाद किए हैं बैजनाथ कुशवाहा तथा विलन के रूप में बिंद्रेश लहरी, संगीतकार मोहित बलमुआ और अजय आर्यन जी हैं। यह फिल्म अभिनेता मोहित बलमुआ के निर्देशन में बन रहा है। मोहित बलमुआ का यह फिल्म भोजपुरी समाज को नया संदेश पहुंचाएगी।
कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत कर चार चांद लगा दिया तो दो शब्द कहकर लोगों ने कॉलेज के छात्रों का हौसला अफजाई भी किया। खुशियां बटी और सारा प्रांगण झूम उठा। ठहाकों के ताल और लोगों के हंसी का गुबार हवा में खूब उड़ा। रंगारंग कार्यक्रम में शिरकत करने वालों ने जमकर गणतंत्र दिवस का लुत्फ लिया। दिन भर हंसना मना है जैसी जगह पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रंगारंग नृत्य गायन का प्रोग्राम भी हुआ। शहीदों की शहादत भी खूब याद की गई। देश से प्रेम जैसे दिलों को चोट करती तस्वीरों को खूब समझाने की कोशिश की गई। ज्ञानियों ने खूब बांटा ज्ञान। जिसने जितना समय दिया इन ज्ञानियों ने उसे उतना ज्ञान दिया। कार्यक्रम रंगमंच पर खूब चला जा रहा था और मीठे धूप का आनंद श्रोता खूब उठाए जा रहे थे। दिन अपने ढलान की ओर बढ़ता जा रहा था। दोपहर हुआ, तीसरा पहर हुआ, पर विद्यालय आज खचाखच भरा था और भरा ही जा रहा था। एक बार समा बधा तो फिर रौनक और रोमांच एक के बाद एक बढ़ता जा रहा था। न कोई हटता न कोई कटता, सब बैठे जा रहे थे। कुर्सियां अब घटती जा रही थी। जिसने भी शहीदों के इस कार्यक्रम में शिरकत किया था उसने खूब ठहाके लगाए, आनंद लिया और देवानंद हो गए। वीरों की कहानी नए वीर युवा युवतियों ने कहना स्टार्ट किया तो 3 घंटे वाली फिल्में भी फ्लॉप होती गई। कुर्सियां कोई छोड़ना नहीं चाहता था और छोड़े भी तो क्यों, ये कार्यक्रम फिर मिलने वाला जो नहीं था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही तो उनकी आखिरी निशा होगा। जिसने भी कहा था ऐसे थोड़े ही न कहा था। आज शहीदों की वह हर याद ताजा हो चली और झूम कर चला यादों का दौर। अंत में न चाहते हुए भी कार्यक्रम का यह रंगमंच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा और शहीदों की याद में भावभीनी विदाई और श्रद्धांजलि अर्पित कर समाप्त हुआ। मसीह सेवाश्रम हाई स्कूल कैथलिक डाइसेस ऑफ वरकपुर इरिगेशन जो कि हमारी सोसाइटी द्वारा संचालित हुआ और हमारे यहाँ इस समय LPG से ट्रांसपेंडर का चाय मिलता है और हमारी अन्य सुविधा है कि स्मार्ट क्लास है जहाँ क्लास 6 से 10 तक बच्चों का होता है और कंप्यूटर क्लास चलता है कक्षा 1 से 10 तक के लिए। और इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मसीह सेवाश्रम स्कूल निचलौल के प्रधानाचार्य द्वारा समस्त क्षेत्रवासियों अनुभवों एवं छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर।